नमस्कार साथियों, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं SSE न्यूज चैनल। MP में कोरोना की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 12,421 नए केस आए, इसके विपरीत 12,965 लोग ठीक होकर घर गए। इसका मतलब है कि हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है। प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम भी सफलतापूर्वक चल रहा है। अब अस्पतालों में भी बेड आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, आप देख रहे हैं वसीम अली की यह विशेष रिपोर्ट। 221 नए केस आए, जबकि 12,965 लोग ठीक होकर सकुशल अपने घर गए। ये बताता है कि हमारी चैन अब सुधार की ओर है। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेडों में भी अब 2% की कमी आ गई। कई जिलों में के अस्पतालों में धीरे धीरे बेड खाली हो रहे हैं। वैक्सीनेशन की स्थिति में 45 के प्लस वालों के लिए प्रदेश में 83,47,000 डोज लग चुके हैं। 6,35,000 डोज हैं, 8,15 मई तक और आने वाले हैं। 18 प्लस वालों में अब तक 4,981 डोज लग चुके हैं। 1,50,000 वैक्सीन है, 1,10,000 तारीख तक आ जाएगी और 9 लाख के लगभग 15 मई तक हमें और मिल जाएंगे। इसलिए कहीं भी उतावलापन या व्यग्रता नहीं करनी है। मुख्यमंत्री जी भी स्पष्ट बोल चुके हैं कि प्रत्येक को लगेगी। जैसी जैसी उपलब्धता बढ़ती जाएगी, हम वैक्सीन के डोज भी बढ़ाते जाएंगे।